हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिफास कलेक्शन। फ्रेंड्स, आज का वीडियो भी हमारा दिवाली स्पेशल वीडियो है और आज के वीडियो में हम कोकोनट बर्फी बनाने वाले हैं। तो ये मैंने पानी वाला जो कोकोनट होता है उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये मैंने एक कप मावा ले लिया है, ये 6-7 इलायची ले ली है, ये एक कप शक्कर ले लिए, ये आधे कप से भी थोड़ा सा कम मैंने मिल्क ले लिया है। अब मैं एक फ्राई पैन में 2-3 चम्मच घी के डाल रही हूँ। इसको गर्म होने पर मैं कोकोनट डाल रही हूँ। कोकोनट को हम थोड़ा सा फ्राई होने देंगे, हल्का। जब ये भुन जाए फिर हम इसमें दूध ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही डिलीशियस बनके तैयार होगी हमारी बर्फी। ये देखिए, मैंने मिल्क को ऐड कर दिया है। इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे ताकि जो कोकोनट है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। देखिए, इसको हम कुछ लगभग 10 मिनट के लिए पका लेंगे दूध में। इसको दूध में पकाने के बाद हम इसमें शक्कर ऐड कर देंगे। ये मैंने एक कप शक्कर ऐड किया है इसमें। आप इसमें अपने पसंद के अकॉर्डिंग शक्कर ऐड करें। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो शक्कर को ऐड करने के बाद मैं इसको चम्मच से चलाती जाऊंगी जब तक कि शक्कर अच्छी तरह से डिजॉल्व ना हो जाए। शक्कर डालने के बाद इसमें थोड़ा सा ये पानी आ जाएगा है। तो इसको हम थोड़ा सा सुखाएंगे और जब ये थोड़ा सा सूख जाए फिर हम इसमें मावा ऐड कर देंगे। मावा ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर पकाएंगे। फ्रेंड्स, इस तरह की मिठाई आप अगर अपने घर में ही बना लें तो एक तो ये बहुत टेस्टी बनके तैयार होती है, आसान भी होती है और इसमें किसी भी तरह की एडल्ट्रेशंस नहीं होती है। बहुत ही प्योर मिठाई अगर घर में बनके तैयार हो जाए दिवाली की तो फिर क्या कहना। और इसको आप सिर्फ दिवाली पे ही नहीं, कोई भी फेस्टिवल पे इसको बहुत ही आसानी से आराम से बना सकते हैं। तो देखिए, मैं ये काफ़ी अच्छी तरह से पक चुका है मावा डालने के बाद। अब मैं इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर ऐड कर रही हूँ। इलायची को मैंने कूट लिया था। अगर आपको इलायची का फ्लेवर इसमें नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और मैं इसमें डाल रही हूँ पिंक फूड कलर। ये मैंने लिक्विड फूड कलर डाल लिया है। देखिए, इसको अच्छी तरह से मिक्स करने से ये बहुत ही अच्छा बर्फी का कलर हमारा बनके तैयार होगा। अगर आपको इस तरह का कलर नहीं चाहिए तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक बॉक्स ले लिया है, इसमें बटर पेपर ग्रीस करके लगा लिया है। इस बटर को पेपर को भी मैंने खुद घर में ही तैयार किया है। इसका वीडियो मैं किसी और दिन शेयर कर लूँगी आपके साथ। तो अब मैं जो कोकोनट का हमारा मिक्सचर बनके तैयार हुआ है इसको मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको अच्छे से टैप कर लूँगी जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए। इसको मैं एक चम्मच को घी से ग्रीस करके मैं चम्मच से इसको दबा दूँगी कॉर्नर से, बीच से, ताकि ये एक लेवल, सेम लेवल का पूरी तरह हो जाए। ऊपर से मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर दूंगी। इसमें आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। देखिए, मैं इसमें काजू और पिस्ता डाल रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स को मैंने अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है और मैं इसको अगेन एक चम्मच से जो मैंने घी से ग्रीस कर लिया है उसको मैं अच्छी तरह से इसको प्रेस करती जा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा घी भी हम ऊपर से लगा लेंगे ताकि बहुत ही शाइनिंग बर्फी हमारी तैयार होगी बनके। अब हम अपने डब्बे को बंद कर देंगे और उसको 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये देखिए, 2-3 घंटे हो गए थे, हमारी बर्फी बहुत अच्छी तरह से सेट हो गई है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी और बटर पेपर को अलग कर दूँगी।
ये देखिए बटर पेपर को यूज़ करने से बहुत ही इजीली पूरी बर्फ़ी बाहर निकल के आ गई है। अब मैं इसकी साइड्स कट कर रही हूँ ताकि हमारी बहुत ही नीट बर्फ़ी बन के तैयार हो, और इसको आप जैसा मर्ज़ी आपको डिज़ाइन देना है उस तरह से आप काट सकते हैं। देखिए मैं इस तरह से अपनी बर्फ़ी कट कर रही हूँ। ये बहुत ईजली कट भी जा रही है क्योंकि बहुत अच्छे से सेट हो गई है। ये देखिए ये कुछ स्क्वायर शेप में मैंने अपनी बर्फी को कट किया है। ये देखिए ये मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। ये देखिए बहुत ही अच्छी खूबसूरत पिंक कलर की हमारी कोकोनट बर्फी बनके तैयार हो गई है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। अपने घर वालों को इस दिवाली अपने हाथों से बनी मिठाई खिलाएं। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय।